बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट ईयर क्लास, पेज नंबर 1। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला सबसे पहले पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, ए और बी दो नंबर्स होंगे जिनका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट लेना है और ए बी उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है और उसके बाहर प्लस माइनस लिखना है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.7। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। -2 और 8 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपने कैसे करना है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाई बी। ए क्या है, -2, बी आपके पास क्या है, 8। ठीक है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, -16। और जब आप जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो उसकी जगह क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ए ओटा। और 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 4 के। तो आपके पास आंसर क्या बना, +-4 ए ओटा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। आपके पास a बराबर है -2 ए ओटा और b बराबर है 8 ए ओटा। आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बराबर है प्लस माइनस के रूट ए बी। जब आप 8 ए ओटा और -2 ए ओटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 आ जाएगा 16। ए ओटा स्केयर आएगा -1 के, एक नेगेटिव पहले मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास टोटल और 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 4 के। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +-4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं पहले, फिर स्क्वायर रूट का साइन डालते हैं और ए और बी दो टर्म्स जो आपके पास गिवन हो, जिनका आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें, तो उनको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें। अब हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि अरिथमेटिक मीन्स वाले को रिपीट करते हैं एक दफ़ा, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन्स की तरफ आते हैं। आपको याद होंगे क्वेश्चंस कि हमें कहा गया था कि 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, 4 करें, 5 करें या 6 करें। ठीक है, हमने उनको कैसे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल A1, A2 और जितने ज्योमेट्रिक मीन्स कहा जाए हमने उतने ले लिए थे। हमने दो नंबर जो होते थे उनके दरमियान वो ज्योमेट्रिक मीन्स अरिथमेटिक मीन्स लिख देते थे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन लिख देते थे उनके दरमियान में, फिर टोटल उनकी तादाद काउंट कर लेते थे लास्ट वाले को। अगर 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं ए और बी के दरमियान, 3 अरिथमेटिक मीन हो गए और ए और बी कितना होगा, 3 और 2 5, n = 5। फिर ए 5 का फार्मूला अप्लाई करके हम वहाँ से डी निकाल लेते थे। जब हमारे पास डी आ जाता था तो फिर हम उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स निकाल लेते थे। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिक मीन में भी सेम इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। अब आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन्स लिखने हैं, 2 ज्योमेट्रिक मीन्स लिखने हैं, किसके दरमियान, 1 और 8 के दरमियान। ठीक है, अब आपके पास 2 ज्योमेट्रिक मीन्स कौन से होंगे, एक होगा G1, दूसरा कौन सा होगा G2। आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8, 1 और 8 के दरमियान ये 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इसलिए आपने पहले 1 लिखा, फिर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स लिखे G1 और G2, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, 8 लिखा। तो अब आप टोटल काउंट करते हैं तादाद इनकी, देखें 1 वैल्यू, G1 सेकेंड, G2 थर्ड और 8 फोर्थ। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 4, n = 4 आ गया। A1 फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, 1। A4 को क्या है आपके पास, 8। अब हम क्या करेंगे, A4 की जगह A4 का फार्मूला लिखेंगे। A4 का फार्मूला इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें A4 का क्या फार्मूला है, A1 r^3। अब A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि फर्स्ट टर्म वो क्या है, 1। 8 = r³ आ गया। ठीक है, r³ - 8 = 0। आपके साथ इसी सेकंड पेज पे हूँ स्टूडेंट, सेकंड पेज पे a³ - b³ का बिकॉस करके फार्मूला लिखा हुआ है, देखें ज़रा, a - b (a²) + ab + b²। ठीक है, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, r³ - 8 = 0, इसको हम लिख सकते हैं r³ - 2³।
ठीक है, आर आपके पास ए की जगह आ जाएगा और टू आपके पास बी की जगह आ जाएगा। तो अब आपके पास फाइनल क्या फार्मूला बन गया, आर माइनस टू, ठीक है, और उसके बाद आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस फोर, इन दोनों हम फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। आर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे, आर का आंसर आ जाएगा टू, और आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस फोर ये हमारे पास कम्प्लेक्स में आ जाएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास हमने कहा गया था कितने ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें, टू ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें। तो अब हम पहला ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते हैं, जी वन, उसका फार्मूला क्या है, ए वन आर, ए वन की जगह ए वन की वैल्यू लिख दो, आर की जगह अभी जो वैल्यू टू फाइंड आउट हुई वो लिख दो, तो आंसर क्या आया, टू। अच्छा, उसके बाद जी टू का फार्मूला क्या बनेगा, ए वन आर स्क्वायर। तो ए वन आपके पास क्या है, वन, आर स्क्वायर क्या है, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या आ गया, फोर, तो जी टू का आंसर क्या आया, फोर। तो आपके पास दो ज्योमेट्रिक मीन्स कौन से आ गए, एक टू आ गया और एक फोर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन वन एंड सिक्सटीन। इस क्वेश्चन में हमें थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने के लिए कहा गया है वन और सिक्सटीन के दरमियान। तो हमने सबसे पहले थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स लेंगे, पहला ज्योमेट्रिक मीन जी वन, फिर जी टू और फिर जी थ्री, उसको हम कह देंगे लेट द थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स आर जी वन जी टू जी थ्री। अब पहला नंबर क्या है, वन, फिर तीन ज्योमेट्रिक मीन्स लिखेंगे जी वन जी टू जी थ्री और फिर लिख देंगे एन में सिक्सटीन। अब सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें, देखिए वन, फिर जी वन जी टू जी थ्री और फिर सिक्सटीन, टोटल टर्म्स कितनी बनी, देखें तीन तो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं और दो नंबर्स हैं वन और सिक्सटीन, थ्री प्लस टू कितना हुआ, फाइव, और वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, फाइव। मैं स्टूडेंट्स पेज नंबर टू पे हूँ। अच्छा, अब ए वन आपके पास क्या है, वन, एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन की तादाद होती है वो क्या है आपके पास, फाइव, लास्ट टर्म वो क्या है, सिक्सटीन, और लास्ट टर्म का नंबर कौन सा है, फिफ्थ। ठीक है, चूँकि हमने बताया ना अभी कि टोटल फाइव टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म का नंबर कौन सा हुआ, फिफ्थ, ए फाइव क्या आंसर आया, सिक्सटीन। अब हमने क्या करना है, ए फाइव की जगह ए फाइव का फार्मूला लिखेंगे, ए फाइव की जगह ए फाइव का फार्मूला क्या बनेगा, ए वन आर रेज टू द पावर फोर। ए फाइव क्या है, सिक्सटीन, ठीक है, ए वन की जगह ए वन की वैल्यू वो क्या है, वन, आर रेज टू द पावर फोर वैसे लिख देंगे। अब आपके पास क्या आया, आर रेज टू द पावर फोर इक्वल टू सिक्सटीन। अब आप इसमें फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सबसे पहले आर रेज टू द पावर फोर और सिक्सटीन को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, माइनस सिक्सटीन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आर रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आप लिख सकते हो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन को, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस फोर, आर स्क्वायर प्लस फोर बन जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आर स्क्वायर माइनस फोर को एक दफ़ा इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और आर स्क्वायर प्लस फोर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस फोर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो आर स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, फोर, और आर का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस टू। फिर आर स्क्वायर प्लस फोर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, आर स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव फोर, और आर का आंसर क्या आएगा, जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको पता होगा कि एओटा साथ में आ जाता है। ठीक है, तो अब फोर का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा टू और नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, एओटा, और स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस और माइनस आ गया। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आर की कितनी वैल्यूज़ हो गई, फोर, एक आ गई प्लस टू, एक आ गई माइनस टू, एक टू एओटा और एक माइनस टू एओटा, और ए वन क्या है आपके पास, वन। अब आपने इन चारों नंबर्स पे अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले आर की वैल्यू पॉजिटिव टू लेंगे, फिर आर की वैल्यू नेगेटिव टू लेंगे, फिर आर की वैल्यू टू लेंगे, टू ए ओटा लेंगे, फिर नेगेटिव टू ए ओटा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए वन इज इक्वल टू वन और आर हमने अब क्या लिया, सबसे पहले टू, तो जी वन का हमारे पास क्या फार्मूला है, जी वन इज इक्वल टू ए वन आर, ए वन क्या है, वन, आर क्या है, टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो टू आ जाएगा, फिर है ए वन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर क्या है, टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर बंदा फोर, फिर जी थ्री है आपके पास ए वन आर क्यूब, टू का क्यूब कितना आ जाएगा, एट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद
ये वाला r a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2 पे आपने तीन ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लिए। पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या आया 2, फिर क्या आया 4 और फिर क्या आया 8। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। When a is equal to 1 और r is equal to negative 2, अभी हम स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 के एंड में आ गए हैं, बल्कि मिड में आ गए हैं। अब वहाँ पे देखें a is equal to 1 और r is equal to negative 2। अब g1 किसके बराबर है, a1 r के, a1 क्या है 1, r क्या है अब लेना माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2। फिर g2 लेते हैं a1 r स्क्वायर, आर स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। फिर है G3 A1 आर क्यूब, आर क्यूब यानी नेगेटिव 2 का क्यूब, वो कितना आएगा माइनस 8। अब आपके पास तीन ज्योमेट्रिक मीन्स कौन से हुए, जब r इक्वल टू माइनस 2 था तो माइनस 2, 4 एंड माइनस 8, ये तीन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं आपके पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स योटा वाली टर्म्स पे चलते हैं। A1 अगर आपके पास 1 है, अब आप r कौन सा लेंगे 2 योटा। देखिए हमारे पास r की चार वैल्यूज़ आई हैं 2, नेगेटिव 2, पॉजिटिव 2 योटा एंड नेगेटिव 2 योटा। हमने सबसे पहले पॉजिटिव 2 पे r की वैल्यू रख के G1, G2, G3 निकाला, फिर उसके बाद r की वैल्यू नेगेटिव 2 रख के G1, G2, G3 निकाला। अब r की वैल्यू 2 योटा रख के G1, G2 और G3 निकालेंगे। G1 का क्या फार्मूला है, A1 r, A1 क्या है 1, R क्या है 2 एओटा, तो आपके पास क्या बना 2 एओटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास G2 क्या है A1 R स्क्वायर, R क्या है 2 एओटा, 2 एओटा का स्क्वायर करेंगे, एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस 1 के, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए माइनस 4 आ गया। ठीक है, नेगेटिव 4। उसके बाद है G3 A1 R क्यूब, R क्यूब यानी 2 एओटा का क्यूब, एओटा का क्यूब सबसे पहले देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है नेगेटिव 1 के, और एओटा वैसे आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो आंसर क्या आया माइनस 8 एओटा। अब आपके पास तीन ज्योमेट्रिक मीन्स कौन से आए, 2 एओटा, माइनस 4 और नेगेटिव 8 एओटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पे आपके पास A1 क्या है 1, R क्या है नेगेटिव 2 एओटा। अब G1 आपके पास क्या फार्मूला है, A1 R, उसके बाद A1 की जगह 1, R की जगह माइनस 2 एओटा। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आया, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया A1 और R को, आपके पास आ गया माइनस 2 एओटा। ठीक है, अब G2 A1 R स्क्वायर है आपके पास, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एओटा स्क्वायर क्या है आपके पास माइनस 1। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस, और एक और माइनस जो शुरू में लिखा हुआ है प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 आ गया। अब G3 क्या है A1 R क्यूब, ठीक है एओटा का क्यूब क्या आएगा एओटा स्क्वायर और एओटा, एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस 1 के, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 का क्यूब 8 आ गया, और फाइनली आंसर क्या आ गया 8 एओटा। अब आपके पास तीन ज्योमेट्रिक मीन्स कौन से आ गए हैं स्टूडेंट्स, पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या आया है आपके पास माइनस 2 एओटा। ठीक है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है माइनस 4, और तीसरा ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या आया है माइनस, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आया है 8 एओटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव 8 एओटा, और रिमेनिंग हम क्वेश्चन कल करेंगे। यही फार्मूले एक दफ़ा फिर देख लें, सबसे पहले हमने आज पढ़ा है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है प्लस माइनस ए बी, स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए बी। ठीक है, सबसे पहले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना सीखा, यानी अगर आपसे कहा गया 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें तो हमने G1 G2 लिख दिया, अगर आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए कहा, हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। फिर ये जो क्वेश्चन हमने किया आर की 4 वैल्यूज आई थी पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 एओटा एंड नेगेटिव 2 एओटा, फिर हमने उन सब पे
G1, G2 और G3 को फाइंड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग हम इसके स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।